हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय एजुकेशनल चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। इफ़ यू स्टिल न्यू टू माय चैनल, इन दैट केस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज़ बिकॉज हाल ही में एक क्वेश्चन बैंक आया था इंग्लिश का HSC बोर्ड की तरफ से। आई हैव स्टार्टेड सॉल्विंग दैट क्वेश्चन बैंक, तो आपको सोल्यूशन मिल पाए टाइम पे, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी हिट कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो कंसिडर हिटिंग लाइक बटन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स बताने वाली हूँ जो एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने की हुई है हमारे HSC और SSC स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो जो वो पॉसिबिलिटी बोल रही थी, मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया है कि सेल्फ सेंटर्स होंगे, मतलब सेल्फ सेंटर्स कन्फर्म किए हैं उन्होंने। मतलब आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, HSC के स्टूडेंट्स या SSC के स्टूडेंट्स, जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जहाँ पर आपने एडमिशन लिया हुआ है, वहीं पे आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। एग्जाम्स के लिए आपको दूसरे कॉलेजेस, दूसरे स्कूल सेंटर्स में जाने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो ये सबसे पहला न्यूज़ जो उन्होंने कंफर्म की हुई है, जिसकी उन्होंने पहले पॉसिबिलिटी बताई थी। नेक्स्ट जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई है कि इंटरनल्स और प्रैक्टिकल्स जो आपके अभी होने वाले थे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, वो इंटरनल्स और प्रैक्टिकल्स आपके एग्जाम के बाद होंगे। जैसे ही आपके बोर्ड के रिटन एग्जाम्स खत्म होंगे, आपके इंटरनल्स और प्रैक्टिकल्स एग्जाम होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज का जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस किया, या बहुत सारे स्टूडेंट्स या यूट्यूब टीचर्स भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद वो एग्जाम्स पोस्टपोन करेंगे या कुछ करेंगे, तो ऐसा उन्होंने कोई न्यूज़ नहीं दिया है। एग्जाम उसी टाइम पे होंगे जब उन्होंने टाइम टेबल दिया है, और एग्जाम्स ऑफलाइन ही होंगे। तो इंटरनल्स और प्रैक्टिकल्स जो भी आपके होने वाले थे, वो सब के सब बोर्ड एग्जाम्स के बाद में होंगे। ये अच्छी बात है कि आप टाइम इंटरनल्स और प्रैक्टिकल्स को प्रिपेयर करने में वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस की हुई है, वो बोली है कि इंटरनल एग्जाम्स जो है वो स्कूल लेवल पे होंगे। मतलब इंटरनल एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए कोई भी बोर्ड का इंटरफेरेंस नहीं होगा। कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे HSC और SSC के इंटरनल एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बताई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम, टाइमिंग के बारे में। अब वो क्या बोलते हैं कि 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। वैसे आपका एग्जाम होने वाला था 11 से 2 बजे तक का टाइम होता है, जब आपको पहुंचना होता है कॉलेज में या स्कूल में 30 मिनट्स, एग्जाम सेंटर में 30 मिनट्स बिफोर आपको पहुँचना होता है। बट अभी कैसा होगा, अभी आपका एग्जाम जो 10:30 बजे चालू होने वाला था, सॉरी जो 11 बजे चालू होने वाला था, वो 10:30 बजे स्टार्ट होगा। मतलब अभी आपका एग्जाम होगा 10:30 से 2 बजे तक, 3.5 घंटे का एग्जाम होगा। क्वेश्चन पेपर आपको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर आपको 10:30 को मिलेगा, क्वेश्चन पेपर आपको 10:20 को मिलेगा, 10 मिनट पहले। तो 10:20 से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 2:00 तक आप लिख सकते हो, और आंसर शीट जो हमें मिलेगी वो 10 बजे मिलेगी, ठीक है। तो मतलब आपको 10 बजे आपके सेंटर सीट पे जाके बैठ जाना है, और 10 बजे से आपको 10 बजे आंसर शीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, 10:20 को आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और 2 बजे तक आप लिख सकते हो, आधा घंटा बढ़ा दिया है 3 घंटे के पेपर में। और जो 2 घंटे का पेपर होगा, जैसे SSC और HSC वाले, SSC वालों का एलजेब्रा ज्योमेट्री का पेपर है, तो उसमें 15-15 मिनट बढ़ाए हुए, 2 घंटे के पेपर को 2.25 घंटे का कर दिया गया है, ठीक है। और वर्षा गायकवाड़ जी ने ये बताते वक्त स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट किया है, या स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि एग्जाम टाइम में आप एग्जामिनेशन के लिए 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर्स पे पहुंचेंगे, ताकि जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये 30 मिनट्स का टाइम, और जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी उन्होंने हर 1 घंटे के लिए 20 मिनट्स बढ़ाए हैं। मतलब 3 घंटे का पेपर में 60 मिनट्स एक्स्ट्रा वो 4 घंटे के लिए लिख सकते हैं, 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा उनको। फिफ्थ पॉइंट जो उन्होंने बताई है, वो है स्पेशल एग्जाम इन जून। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए, बट आपको इस पॉइंट के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, आपको अभी के लिए ही एग्जाम्स देने हैं। लाइक स्पेशल एग्जाम इन जून, वो क्या बोलते हैं कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जो कोरोना के वजह से ट्रैवलिंग नहीं कर पाए, या एग्ज़ाम हॉल तक पहुंच नहीं पाए जस्ट बिकॉज ऑफ COVID-19 इशूज़, या उनको कोई कोरोना का प्रॉब्लम हो गया ड्यूरिंग एग्जाम्स, तो वो क्या करेंगे, इसलिए वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो उनके लिए क्या होगा, स्पेशल एग्ज़ाम एक अरेंज किया जाएगा जून में। अब ये जो स्पेशल एग्ज़ाम अरेंज किया जाएगा, इसके लिए स्पेशल सेंटर्स
लगाए जाएंगे, इसके लिए स्पेशल सेंटर्स फॉर्म होंगे और वो स्पेशल सेंटर्स कुछ सिलेक्टेड एरिया में होंगे, तब आपका एग्जाम स्पेशल सेंटर पे होगा, अपने स्कूल कॉलेज में नहीं होगा। तो इसीलिए अपनी केयर करो, अभी प्रिकॉशंस लो, प्रिकॉशनरी मेजर्स लो, सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ आप अभी सर्वाइव करो ताकि आप ड्यूरिंग एग्जाम्स एकदम हेल्दी रहो, तो आपके एग्जाम्स आपके स्कूल कॉलेज में ही हो जाए, दैट विल बी मोर ईजी फॉर यू। ठीक है, अगर आप जून सेक्शन के लिए जाते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे एग्ज़ाम आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, कि बोर्ड प्रैक्टिकल्स का रिलैक्सेशन जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा आपको, या स्पेशल कॉलेज लेवल पे बोर्ड प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं वैसा नहीं होगा। तो आप स्पेशल एग्ज़ाम जो जून में होगा उसके लिए आप खुद को मत प्रिपेयर करो, आप अपनी के लिए ही प्रिपेयर करो। ठीक है, उसके लिए जो स्पेशल सेंटर्स बनाए जाएंगे फिर वो आपका स्कूल नहीं होगा, एक अलग ही सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने बोला है वो बोलते हैं कि जिस जैसे रिपीटर एग्जाम, अभी हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन था कि स्पेशल एग्जाम जो है वो हमारे रिपीटर्स के साथ ही होगी क्या, तो ऐसा नहीं है, स्पेशल एग्जाम आपका रिपीटर के साथ नहीं होगा, स्पेशल रिपीटर का एग्जाम आगे होता है जुलाई अगस्त में, आपका एग्जाम जून में ही होगा। अब जुलाई अगस्त में रिपीटर एग्जाम होगा, जो जो स्टूडेंट्स फेल होंगे वो वापस एग्जाम दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स को भी चाहिए तो वो एग्जाम जुलाई अगस्त में दे सकते हैं। ठीक है, जो रिपीटर एग्जाम होगा, तो और एक बात उन्होंने डिस्कस की हुई है कि ड्यूरिंग एग्जाम, मिड एग्जाम, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उन्हें सिम्टम है, कोरोना का सिम्टम है, कोविड-19 का सिम्टम है, तो हर एक सेंटर पे एक आइसोलेशन सेंटर्स आइसोलेशन का अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, तो ताकि वो आइसोलेशन प्लेस पे स्टूडेंट चाहे अपनी विश पे एग्जाम दे सकता है, और अगर उसे कोई ऐसा सिम्टम दिख रहा है तो और वो फिर भी एग्जाम देना चाहता है तो वो उस आइसोलेशन वार्ड में दे सकता है, और वहाँ के नज़दीक में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे वो उन्हें असिस्ट करने आएंगे, वो स्टूडेंट को असिस्ट करेंगे। ठीक है, जितना ज़रूरी होगा उतना। तो ये थे वर्षा गायकवाड़ जी के कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो उन्होंने बताए हुए थे। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बताया ना इंटरनल प्रैक्टिकल्स के बारे में, एक और बात उन्होंने बताई हुई है जो मैं आपको बता रही हूँ। इंटरनल प्रैक्टिकल्स के लिए उन्होंने क्या बोला हुआ है, इंटरनल्स और प्रैक्टिकल्स जो होंगे 12th कॉमर्स आर्ट्स और साइंस वालों, अभी 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो 10th स्टैंडर्ड के लिए जो भी इंटरनल्स थे, इंटरनल लेवल पर मार्क्स मिलेंगे वो सब असाइनमेंट्स में कन्वर्ट होंगे, मतलब एग्जाम्स खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को 10-15 दिन का, मतलब जून तक का, 10 जून तक का टाइम मिलेगा, तब तक वो असाइनमेंट्स बना के दे सकते हैं। और एग्जाम ड्यूरिंग एग्जाम्स किसी को कोई हेल्थ इशू हो गया, प्रॉब्लम हो गया, जिसके आफ्टर एग्जाम्स जिसके वजह से वो इंटरनल सबमिट नहीं कर पाए, तो उनको और 15 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ये कॉलेज लेवल पे ही होगा। ठीक है, और दूसरा, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके तो अभी प्रैक्टिकल्स कुछ हुए ही नहीं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम लिए कैसे जाएंगे, जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे लिए जाएंगे, कि उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्स पहले करवाए जाएंगे, 5-6 कुछ 5-6 प्रैक्टिकल्स ही करवाए जाएंगे, और वही 5-6 प्रैक्टिकल्स आपको पूछे, उनमें से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के लिए, और प्रैक्टिकल्स को छोड़ के बाकी जैसे जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो सब असाइनमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था वर्षा गायकवाड़ जी का पूरा इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने, अनाउंसमेंट जो उन्होंने किया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी बात को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दूंगी, और एल्स नेक्स्ट वीडियो करके मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।